किसान भाइयों, राम राम। सभी किसान भाइयों के लिए एक आवश्यक वीडियो मैं बना रहा हूं। किसान भाई, आप लोग डिसीजन ले लेते हैं कि हमको ट्रैक्टर लेना है, पर किसी जज्बात में आकर के, किसी के कहने पर आकर के, किसी डीलर के कहने मात्र से आप ट्रैक्टर ना लें। पहले आप खूब इत्मीनान से, अपने दिमाग से सोचें आपको ट्रैक्टर की आवश्यकता है कि नहीं है, और अगर है तो फिर कौन सा ट्रैक्टर लेना है, और ट्रैक्टर लें तो किस कंपनी का लें, कितने HP का लें, और उसको हम नगद लें या फाइनेंस पर लें। इन सारी स्थितियों पर आपको हम विस्तार से बताएंगे, जिससे कि न आपको फाइनेंस वाले ठग पाएँ और ना ही आपको डीलरशिप पर आप ठगे जा सकें। तो अब किसान भाइयों, बात ये उठती है कि आपके पास सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपके पास ज़मीन कितनी है। अगर आपके पास 5 एकड़ से ऊपर ज़मीन है तब तो आपको ट्रैक्टर लेना चाहिए, बढ़िया होता है। ध्यान से ये सोचना है किसान भाई कि आप पुराना ट्रैक्टर लें या नया ट्रैक्टर लें। अगर आपके पास खेती 5 एकड़ के आसपास या 1 एकड़ कम या ज़्यादा है, तो अब जब आप पुराना ट्रैक्टर लेने का विचार बनाते हैं तो अपने साथ के किसान भाइयों से, अपने जानने वालों से, अपने रिश्तेदारों से, तमाम लोगों से आप चर्चा कीजिए कि हमको कोई पुराना ट्रैक्टर जो कि अच्छी कंडीशन में हो, अच्छे बजट में व्यवस्था कर दीजिए। तो उनकी जानकारी में जहाँ कहीं भी पुरानी गाड़ी होगी वो मिल जाएगी। जैसे देखिए, ये सोनालिका कंपनी का 745 थर्ड RX ट्रैक्टर है, ये 45 HP का ट्रैक्टर है। इस टाइप में यदि आपको पुराना ट्रैक्टर अच्छी कंडीशन का मिल जाता है, और ये दूसरा ट्रैक्टर 45 HP में ही है, आयसर का 485, ये भी 45 HP का एयर कूल ट्रैक्टर है। इस प्रकार से यदि आप पुराना ट्रैक्टर लेना चाहते हैं और आपके आसपास या अगल बगल कहीं भी मिल जाता है अच्छी कंडीशन का पुराना ट्रैक्टर, तो कम बजट में एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है आप लोगों के लिए किसान भाइयों। ये तो हो गया कि अगर आपके पास ज़मीन कम है, आपका बजट कम है, आप पुराना ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, तो आप जैसे मैंने बताया, आप ट्रैक्टर देखिए, अपने साथियों से कहिए, मित्रों से कहिए, अपने जानने वाले किसान भाइयों से कहिए। अगर अच्छा ट्रैक्टर आपको मिल जाता है तो आपके लिए बेहतरीन विकल्प होगा। महंगाई इतनी ज़्यादा है, ट्रैक्टर के दाम इतने बढ़ गए हैं, यदि पुराना ट्रैक्टर अच्छी कंडीशन का मिल जाता है तो सबसे बुद्धिमानी है उसको ले लेने में। अब बात यह आती है कि आपको कितने HP का ट्रैक्टर लेना है। यदि आपने नया लेने का ही प्लान कर दिया है और आपकी ज़मीन 5 एकड़ या उससे थोड़ा ऊपर नीचे है, तो मैं तो आपको 35 से 40 HP का ट्रैक्टर रिकमेंड करूँगा। और अगर उससे ऊपर ज़मीन है आपकी और आप अपने साथ साथ किराए का भी काम करना चाहते हैं किसान भाई, तो आप, मेरी पर्सनल राय है कि 45 HP से कम ट्रैक्टर मत लीजिए। आज जो मॉडर्न इक्विपमेंट आए हैं फार्मिंग के, रोटावेटर है, लेजर लेबलर है, और कल्टीवेटर तो पहले से ही चल रहा है, तो सारे उपकरण आपका, अगर 45 HP का ट्रैक्टर है तो कमोबेश सभी उपकरण आपके चला सकता है। अब जैसे आपने डिसीजन ले लिया कि हमको नया ट्रैक्टर ही लेना है, अच्छी बात है, उसके लिए 2-3 चीज़ें सबसे आवश्यक हैं। आपके नए ट्रैक्टर की जितनी कीमत है, कम से कम, बहुत कम तो उसका 40%, जैसे आपका नया ट्रैक्टर सपोज करिए 6 लाख का है, तो कम से कम 2.5 लाख रुपए आपका अपना निजी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वह 2.5 लाख भी आपने कहीं से कर्ज लेके लिया है, तो ऐसी कंडीशन में आप न ले ट्रैक्टर मिल रहा है, नहीं तो आप कर्ज के बोझ में ही दब जाएंगे। यदि 40% 6 लाख का ट्रैक्टर आप लेना चाह रहे हैं, 2.5 लाख रुपए आपका अपना है, तो ट्रैक्टर लेने की सोचिए, परंतु आप भावनाओं में बहकर ट्रैक्टर मत लीजिए। आप सबसे पहले अपने अगल बगल के किसानों से राय लीजिए कि किस कंपनी का ट्रैक्टर जो है ज़्यादा बेटर होता है। आप खेतों में जाकर के देखिए, अगर आप पहले से चलाते हैं तो आपको जानकारी है, और नहीं भी चलाते हैं तो आपके जो करीबी किसान हैं उनके खेतों में जाइए, उनके ट्रैक्टर की रिस्पांस देखिए, 2-4 ट्रैक्टरों की रिस्पांस देखिए, और जिस कंपनी का आप डिसीजन लें ट्रैक्टर लेने का, चाहे वो जॉन डियर का हो, चाहे स्वराज का हो, चाहे महिंद्रा का हो, चाहे मैसिक हो, फार्म ट्रैक हो, पावर ट्रैक हो, कुबोटा हो, कोई भी ट्रैक्टर जो आपको अच्छा लगे लेने के लिए, उसको लेने से पहले उसकी 3-4 चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आफ्टर सेल जो है, उसकी सर्विस की क्या व्यवस्था है, उसके पार्ट मार्केट में अवेलेबल हैं कि नहीं है, और पुराना होने पर उसकी रीसेल वैल्यू क्या है,
इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आप डिसीजन लें कि हमको कौन सा ट्रैक्टर लेना है। कुछ ट्रैक्टर में माइलेज है तो पावर नहीं है, और किसी में पावर है तो माइलेज बिल्कुल नहीं है। तो आप ऐसे ट्रैक्टर का चुनाव करें जिसमें पावर, परफॉर्मेंस सब एक साथ हो, माइलेज भी हो, ताकत भी हो, ट्रैक्टर टिकाऊ भी हो। अब जैसे आपने ट्रैक्टर फाइनल कर लिया, डिसीजन ले लिया कि हमको फला कंपनी का ही ट्रैक्टर लेना है, या एक दो कंपनियों में आप डाउट में है कि इसका लें या इसका लें, आप बारी बारी से डीलरशिप पर जाइए और डीलर से आप एक भी बार यह मत कहिए हमें यही गाड़ी पसंद है। उनसे बिना मन के बात करिए कि फला ट्रैक्टर आपका कितने का है, वो पूछेंगे आप लेना चाहते हैं, आप कहिए अभी तो लेने का विचार नहीं, थोड़ा बहुत सोच रहे हैं। और आप उनसे एकदम फाइनल पूछ लीजिए, वो ट्रैक्टर का दाम अगर आपसे जो कुछ भी दाम बताते हैं, आप भी ये मान के चलिए किसान भाई आप ठगी से बचना चाहते हैं, तो डीलरशिप का प्रॉफिट जो होता है लमसम 20% होता है एक ट्रैक्टर पर। वो जो भी दाम आपसे बताएं उससे कम से कम आप 15% कम कहिए। जैसे मान लीजिए वो ट्रैक्टर आपको 6,50,000 का बता रहे हैं, तो आप उनको कम से कम 1 से 1.25 लाख रुपए कम करके बार्गेनिंग करिए, बेहिचक बार्गेनिंग करिए। न वो आपका रिश्तेदार है, न आपका भाई है डीलर। जब तक आप ट्रैक्टर नहीं लिए हैं आपका बड़ा भगत करेंगे डीलर। आप जाओगे कोल्ड ड्रिंक मंगाएंगे, चाय मंगाएंगे, नाश्ता मंगाएंगे, आप उनके व्यवहार में कुछ कह नहीं पाएंगे और ट्रैक्टर ले लेते हैं। पर ऐसे जज्बात में ट्रैक्टर न लें, खूब मोल भाव करें और उसके बाद फाइनल न करें, चले आए। बाद में आपके घर डीलर आता है तो आप उनसे कहिए, यद्यपि आप तो लेने की इरादा है, फिर भी कहिए कि हमारा बजट गड़बड़ हो गया या हमें दूसरा काम है, घर में शादी है, अभी नहीं लेंगे, बाद में लेंगे। ऐसे आप करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि डीलर आपको वही गाड़ी 50 से 60 हज़ार कम में दे देगा। और आप जज्बात में किसी त्यौहार पर ट्रैक्टर न लें। और दूसरी बात यह आती है कि आपको अगर पुराना ट्रैक्टर देना है एक्सचेंज में, तो आप डीलर से बिल्कुल भी ना बताएं कि हमें पुराना ट्रैक्टर देना है, नहीं तो डीलर क्या करेगा। आपका पुराना ट्रैक्टर जैसे कोई दूसरी कंपनी का डीलर 1 लाख में ले रहा है, तो दूसरे डीलर को जब पता चलेगा आपको 1 लाख में ले रहा है, आपके पुराने ट्रैक्टर का दाम जो है वो आकर के 1.5 लाख लगा देगा, आप खुश हो जाएंगे। पर वो जो ट्रैक्टर आपको नया देगा उसमें आपको उससे पैसे को एडजस्ट कर लेगा, आपको नया ट्रैक्टर महंगा देगा। तो आप पहले अपना पूरी बार्गेनिंग करिए, बिना पुराना ट्रैक्टर बताए तय कर लीजिए, उसके बाद अपने पुराने ट्रैक्टर की कीमत लगवाइए। यदि वो तैयार होता है तो तभी लीजिए, नहीं तो उनके यहाँ ट्रैक्टर मत लीजिए। जब आप एजेंसी पर जाते हैं तो आपको डीलर ट्रैक्टर के अन्य इक्विपमेंट लेने के लिए कहेगा, पर आप उनसे वो इक्विपमेंट कदाप नहीं लेना है। जैसे डीलर आपको कहेगा ट्राली हो गई, और किसान की ज़रूरत का चीज़ रोटावेटर होता है, डीलर बोलेगा कि आप रोटावेटर ले लीजिए, ट्राली, रोटावेटर और सुपर सीडर, सीड ड्रिल इत्यादि जो भी उपकरण हैं। तो डीलर आपसे इक्विपमेंट लेने के लिए कहेगा, पर आपको कोई भी इक्विपमेंट डीलर से नहीं लेना है। जब डीलर आपकी मानसिकता समझ जाएगा तो ट्रैक्टर आपको 10,000 सस्ता दे देगा आपको फंसाने के लिए, लेकिन इक्विपमेंट में आपसे 20,000, 25,000, 30,000 ज़्यादा ले लेगा। तो आप इक्विपमेंट कदाप न खरीदें, इक्विपमेंट जब भी लें पहले आप ट्रैक्टर ले लें, ट्रैक्टर ले आएँ, उसके बाद आफ्टर मार्केट आप जाएँ, अपनी पसंद का इक्विपमेंट देखें, या उसी डीलर के यहाँ से लेना है तो फिर मोल भाव करके उसको लें। अब बात आती है, सारा कुछ हो गया, आपका डीलर से सौदा हो गया, आपने कंपनी सिलेक्ट कर ली, स्वराज, आइसर, स्कार्ट, महिंद्रा, जो भी सिलेक्ट किया डीलरशिप पे, आपका रेट तय हो गया, सौदा डन हो गया, आप ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो उनसे सबसे पहले पूछिए कि हमारा जो है जो फाइनेंस होगा, जैसे आप 3 लाख दे रहे हैं और 4 लाख फाइनेंस करवा रहे हैं या 3.5 लाख फाइनेंस करवा रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। जैसे आपने 3 साल के लिए फाइनेंस करवाया और किस्त आपकी 3रे महीने है, साल की 4 किस्त है, तो 3 साल में 12 किस्तें होंगी, तो उनसे पूछिए कि हमारा कितना ब्याज होगा। अब ब्याज का 2 सिस्टम है, हम आपको समझाते हैं। 2 रेट से फाइनेंस होता है। पहला सिस्टम यह है कि फ्लैट रेट पर फाइनेंस होता है। क्या है? फ्लैट रेट पर फाइनेंस होता है। और दूसरा है फ्लेक्सी रेट। फ्लेक्सी रेट पर फाइनेंस होता है। तो किसान भाइयों, आपको झांसा देने के लिए फाइनेंसर जो है कहेगा कि ये जो फ्लेक्सी रेट है इसको घटते क्रम पर भी कहते हैं,
घटते ब्याज पर परंतु आपको उनसे पूरी तरह से पूछ लेना है। जब घटते ब्याज पर कहेंगे कि 3 साल का जैसे आपका फाइनेंस है तो पहले साल की ब्याज आपकी ब्याज दर रिड्यूस हो जाएगी, घट जाएगी, पर उनसे आप इस बहकावे में मत आइए जैसे आप 3 लाख का फाइनेंस करवा रहे हैं 3 लाख का, तो 3 साल के लिए, तो उनसे कहिए कि ब्याज सहित हमारा जोड़ करके किस्त बताइए। आप जब भी लीजिए केवल फ्लैट रेट पर लीजिए, जैसे वो किस्त आपकी जोड़ कर बता दिए, जो भी मान लीजिए एक्स वाई जेड किस्त आपकी 25,000-30,000 बताए तिमाही, 30,000 बताए, 30,000 किस्त बताए, तो जितनी किस्तें आपकी बताएं उसका उसमें गुणा कर लीजिए। जैसे आपकी 12 किस्त बता दी तो 3,60,000 रुपये हो गया, 3,60,000 रुपये हो गए, 3,60,000 हो गए, तो आपने 3 लाख का फाइनेंस कराया है तो ये 60,000 आपका ब्याज आ रहा है। इस तरह से आप कैलकुलेट करके ही ट्रैक्टर लीजिए, बिना कैलकुलेशन किए मत लीजिए। और एक फाइनेंसर, दूसरे फाइनेंसर, तीसरे फाइनेंसर से आप अपना कैलकुलेशन करवा लीजिए, जिसमें लगे कि आपकी इंस्टॉलमेंट कम आ रही है उसको टोटल कैलकुलेशन करिए। कैलकुलेशन करने के बाद में ही डिसीजन लीजिए, नहीं तो डीलर क्या करेगा, आपको प्रलोभन देगा कि मैं इस पर कृषि विभाग से 1 लाख की 1.5 लाख की छूट करा दूंगा, और वो छूट उट कराता नहीं, जिस दिन आपको ट्रैक्टर बेच देता है सुनता नहीं। अगर आपको बाध्य करता है कि हम छूट करवा देंगे तो आप कहिए ठीक है, जब आप छूट कराएंगे तब हम फाइनेंस करेंगे ट्रैक्टर, तो कहेगा बिना आरसी बने छूट नहीं होगी, तो आपको फाइनेंस करने के लिए मजबूर करेगा। तो आप कहिए ठीक है, जितने की आप छूट कर रहे हैं उनके धीमा ठोका है, आप कहिए कि जितने का आप छूट करवाने के लिए हमसे कह रहे हैं उतने का हमको आप चेक दे दीजिए, हम फाइनेंस कर दे रहे हैं। तो वो जो झूठ बोल रहा है डीलर आपसे झूठ नहीं बोलेगा। भाइयों, मेरा वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि हमारा जो किसान भाई है बहुत मेहनत से पैसा कमाता है, ब्याज दर बहुत ज्यादा है, न डीलर द्वारा ठगा जाए, न फाइनेंसर द्वारा ठगा जाए, न जज्बात में आके ट्रैक्टर लीजिए। आजकल तो डीलरों के यहाँ ऐसी ऐसी स्कीमें हैं, आपको बुलाएंगे एक भी पैसा लिए बिना ट्रैक्टर की कीमत बढ़ा करके 80% फाइनेंस करके आपको फुल फाइनेंस दे देंगे। बट किसान भाइयों, हाथ जोड़ कर विनती है, ऐसी कंडीशन में ट्रैक्टर न लें। हमारे तमाम किसान भाई कर्ज में दब करके आत्महत्या कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप हर पहलू सोचिए, क्या आपको ट्रैक्टर की ज़रूरत है, ट्रैक्टर जितनी आपके पास ज़मीन है, आपकी पैसे की व्यवस्था है कि नहीं है, उसके बाद ना आपको डीलर ठग पाए, ना आपको फाइनेंसर ठग पाए। इन सारे टॉपिक पर ध्यान देने के बाद में ही ट्रैक्टर लीजिए, और जिस रेंज की आपको ज़रूरत है उसी रेंज का ट्रैक्टर लीजिए। तो वीडियो में दी गई जानकारी किसान भाइयों अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही अपने छोटे भाई को चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।